नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। साथियों, सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां। इसके बाद साथियों, मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेके आया हूँ। कुछ DSSB में न्यू रिक्रूटमेंट आई हैं, न्यू वैकेंसीज आई हैं, नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं। इसके बाद PGT का एक रिजल्ट अपडेट हुआ था कल, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद एक कमेंट आया था मेरे पास कल, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक दो दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, और कल भी उस साथी का कमेंट आया था मेरे पास। तो वो साथी मतलब बहुत सैड होकर वो कमेंट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरे परिवार की पूरी उम्मीद इस वैकेंसी के ऊपर है, DSSB की वैकेंसी के ऊपर है, और अगर मैं इसमें सिलेक्ट नहीं होता हूं तो मेरा पूरा परिवार मतलब बहुत ही गंदी कंडीशन से गुजर रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो मुझे मतलब ये सहारा है, मेरा अंतिम सहारा है। तो उस कमेंट ने मुझे काफ़ी सैड किया, और मैंने उन साथी से पर्सनली बात भी करी, हालांकि मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले आप ध्यान रखें, उनकी एज 35 के अराउंड है, और उनका अंतिम चांस था ये DSSB के अंदर। तो साथियों ध्यान रखें, आपको ये चांस मिला है, अगर आप इसमें सिलेक्ट नहीं होते हो तो ऐसा नहीं कि लाइफ नहीं है आपके पास, आपका जीवन है और आप और ट्राई कर सकते हो। अदर स्टेट्स में भी जॉब होती है, टीचिंग जॉब, तो उनमें काफ़ी एज तक आप कर सकते हैं अप्लाई। इसके बाद और भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सैड होने से कुछ नहीं होता जी, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप मेहनत करें, और आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। सैड होने से कुछ नहीं होगा, आप कितना भी सैड हो लें उससे कुछ नहीं होगा। आप मेहनत करें, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारें। और इसके बाद बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब से ही आपका जो परिवार की स्थिति है वो सुधरेगी, आप प्राइवेट में भी अपना अलग कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, काफ़ी मैंने रेहड़ी लगाने वाले बंदे देखे हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, और सबसे पहले टैलेंट लेके आओ, मेहनत करो, जो आपकी कमजोरी है उसे देखो कि कहाँ पे कमजोरी है। तो सैड होने से कुछ नहीं है, हालांकि मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं हम। इसके बाद साथियों बात करते हैं, कल DSSB का एक नोटिस आया था जिसमें कुछ रिक्रूटमेंट है, और वो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी में, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल और सिविल में ये पोस्ट है, और जो जूनियर इंजीनियर है ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, तो इनमें ये पोस्ट है। और आप अभी अपनी स्क्रीन पे सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप DSSB की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लास्ट डेट इसकी है 1 मार्च 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और वैकेंसीज इसमें दी हुई हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद जो कल रिजल्ट अपडेट हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। PGT कॉमर्स का कल रिजल्ट अपडेट हुआ था, PGT कॉमर्स फीमेल। तो इसमें ये कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनको शामिल किया गया है। और हालांकि जो इनका फाइनल सिलेक्शन है, अगर इनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन पाए जाते हैं तो इनका सिलेक्शन होगा। तो PGT कॉमर्स फीमेल, इनका ये रिजल्ट अपडेट है, इसमें 12 कैंडिडेट्स हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप इस पोस्ट की वेट कर रहे थे
आपके साथ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप जरूर ये देखें अगर आप पीजीटी कॉमर्स फीमेल से हैं। तो साथियों ये थी मॉर्निंग न्यूज, एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो साथियों इसके बाद बता देना चाहता हूं मैंने एक वीडियो बनाई है, दूसरे चैनल की वीडियो है, गणतंत्र दिवस के बारे में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है तो आप वो जरूर देखें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।